नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थर्ड और सेकंड पार्ट के लिए बना रहा हूँ। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहले 10% जो आएंगे वो एमसीक्यू होंगे, अगले जो 5% होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग क्वेश्चन में आपको आंसर दिखाना होगा, प्रोसेस दिखाना होगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप उन्हें ध्यान से करें। इस टाइप के क्वेश्चन करें, ये बिल्कुल ना करें कि यही आएंगे, आ सकते हैं। मैंने कुछ इतना कॉम्बिनेशन परमुटेशन यहाँ पर लगाया है। जैसे ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी हुई है, इसकी नेचर आपको निकालनी है, पता होगा डी से हम चेक करेंगे। यहाँ पर 11th टर्म निकालनी है इस एपी की, फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर देंगे, प्रोसेस आप रफली करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड 2a है, तो उसका ऑल्टीट्यूड आपको निकालना है, ये क्वेश्चन चैप्टर 6 से आपको आ सकता है। डिफाइन करना है ऐसे एस सिमिलरिटी, तो इस टाइप का रिमेम्बरिंग टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। पेरीमीटर निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट वर्टेसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं ए बी और सी के कोऑर्डिनेट वो दिए हुए हैं। तो कैसे भी आप करें, रफली आप करें, ग्राफिकली आप करें, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, cos 9 अल्फा की वैल्यू sin अल्फा के इक्वल है, तो आपको 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। sin अल्फा की वैल्यू 1/2 है, cos बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ये आपका 8.3 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, ये 3 है, ये √3 है, आपको ये एंगल निकालना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपका यूज करना है। यहाँ पर देखिए, ये टेंजेंट से मैंने क्वेश्चन लिया है, ये एक टेंजेंट है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये रेडियस है, ये क्यू है, तो आपको एंगल बताना है पीओ क्यू जो एंगल होगा वो कितना होगा। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रखा है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये जो हाइट है ट्राइंगल की ये 2 है, इसका बेस 3.5 है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं, मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा। हाँ, एक अनाउंसमेंट और है कि कल 3 क्लासेस होंगी अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस होंगी, आप अभी रजिस्टर कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक होगी 2 बजे जो, और एक होगी 7 बजे क्लास, और एक होगी 9 बजे क्लास। 9 बजे जो क्लास होगी वो प्रोबेबिलिटी पर होगी, 7 बजे जो क्लास होगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर होगी, और 2 बजे जो क्लास होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होगी। अपने मौके को चूके नहीं, अनअकैडमी पर रजिस्टर करें, अनअकैडमी के लाइव फाउंडेशन और एनटीएससी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का ध्यान रखें, 1 मिलियन मेरा टारगेट है और आपको पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।